सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है गाइज आप लोगों का एक नई वीडियो के अंदर। गाइज आज की इस वाले वीडियो के अंदर बात करने वाले हाउ टू फिक्स एरर प्रॉब्लम। यस गाइज, जैसे आप लोग अपने फ्री फायर को चालू करने के लिए जाते हो ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको एरर वगैरह यहाँ पे बताता है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फेल्ड रिट्राई का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइज अपना स्क्रीन रहता है वो भी गाइज यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा है, यानी कि अपना जो फ्री फायर गेम है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो गाइज आप लोग मतलब परेशान हो चुके होंगे कि भाई अपना यूट्यूब वगैरह अच्छा चल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्री फायर को जब भी हम लोग ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पर एरर वगैरह दिखा देता है। डाउनलोड फेल्ड रिट्राई वाला ऑप्शन यहाँ पे क्यों आ जाता है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर इस वाली प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स करने वाले हैं। सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, उसके बाद आपका जो फ्री फायर है वो गाइज सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको वीडियो ध्यान से एंड लास्ट तक आपको देखना है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके साथ मेरे भाई लोग यार वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल में सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप लोग सबसे पहले आपको क्या करना, अपने फ्री फायर के ऊपर क्लिक करके रखना यहाँ पे। उसके बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ पर गाइज करना क्या, क्लियर कैच कर देना। याद रखना गाइस, क्लियर डाटा आपको यहां पे नहीं करना है, आपको करना है गाइस यहां पे क्लियर कैच। उसके बाद आप लोग सिंपल सा क्या करना है, अपना जो मोबाइल का सेटिंग होता है गाइस उसको आपको चालू कर लेना है, ठीक है। तो मोबाइल के सेटिंग को हम लोग यहां पे चालू कर लेते हैं। यहां पर गाइस आपको सर्च करना है DNS। यहाँ पे देखो ये सर्च वाला आइकन है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पे लिख देना है DNS। तो जैसे हम लोग यहाँ पे DNS लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको सर्च करना है एंड प्राइवेट DNS के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो नीचे आपको एक कोड यहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कोड डालने वाला बना हुआ है बाहर, इसमें आपको लिखना है बड़े अक्षरों में dns.edgar.com, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो dns.edgar, उसके बाद आपको डॉट लगाना है, फिर आपको कॉम लिख के इसको आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला ट्रिक तो ये हो गया, आपका जो नेटवर्क रहेगा वो गाइस यहाँ पे प्राइवेट DNS से कनेक्ट हो जाएगा, इससे गाइस आपका फ्री फायर सक्सेसफुली चालू हो जाएगा। उसके साथ बात करते हैं भाई दूसरे ट्रिक के बारे में। तो दूसरे ट्रिक का गाइस आपको क्या करना है, सिंपल से अपना एक VPN आपको डाउनलोड करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जिसका नाम है गाइस TurboVPN। यस गाइस, आपको TurboVPN आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको चालू कर लेना है। इसको कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा गाइस अपना फ्री फायर को आपको चालू कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसको VPN को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो VPN रहेगा वो गाइस सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गाइस कनेक्ट होने के बाद आपको अपना फ्री फायर चालू कर लेना है। ऊपर आप लोग देख सकते हो VPN का यहाँ पे सिंबल आ चुका है, अभी आपको अपना फ्री फायर को चालू करना है, ठीक है। तो हम लोग अपना जो फ्री फायर है उसको चालू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने अपना फ्री फायर चालू कर लिया है। और गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो का यहाँ पे स्पीड यहाँ पे बढ़ा दिया चालू होने वाला। देख सकते हो गाइस यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन वगैरह यहाँ पे सब कुछ हो चुका है एंड हमको यहाँ पर गाइस कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही मोबाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस फ्री फायर जो है हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे चालू हो चुका है। और पीछे के लैपटॉप में भी यहाँ पर मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, और ऊपर आप लोग देख सकते हो हमारा लैपटॉप के अंदर भी यहाँ पे फ्री फायर चालू हो चुका है, ठीक है।